सारे विद्यार्थियों का मैथ क्लास में बहुत निघा स्वागत है। मेरा नाम नवनीत कौर है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलपुरियां जिला गुरदासपुर की गणित विषय की अध्यापिका हाँ। आज की इस क्लास में असी बीज गणित चलां वाले व्यंजकों का अध्ययन कर जा रहे हाँ। इस तो पहला मैं तुहानू दस देवां कि गणित की एक शाखा अंक गणित है जिस विच असी संख्यावां दा अध्ययन करते हाँ, अर्थमैटिक। गणित दी ओ शाखा जिस विच असी आकारां दी गल करते हाँ वह ज्यामती हुंदी है, मीनस ज्योमैट्री। ते गणित दी एक होर शाखा जो कि अलजैबरा बीज गणित है उस विच असी अक्षरां दा प्रयोग करते हाँ। अक्षरां संख्यावां अते नियमों का प्रयोग करके असी एक एक्सप्रैशन नू लिखण योग हो जाने हाँ जिसनू असी व्यंजक आखते हाँ। सो व्यंजक की है? व्यंजक वो है जिस विच असी अक्षरां दा संख्यावां दा ते उहदे उपर क्रियावां दा प्रयोग करके एक एक्सप्रैशन बना लैंदे हाँ जिसनू असी व्यंजक कहिंदे हाँ। सो आओ बच्चो, अज असी चलां वाले व्यंजक का अध्ययन करते हाँ। अंक गणित विच संख्यावां दी मदद दे नाल असी किन्ने तरह के व्यंजक बना सकते हाँ, जिमें कि 2 × 10 = 3। हुण ये व्यंजक संख्यावां दे नाल बनिया गया है अते नाल दी नाल कुछ क्रियावां भी इहदे विच वरतियां गईयां हन। इहदे विच संख्यावां वरतियां गईयां हन 2, 10 अते 3 ते क्रियावां गुणा अते जमा। सो असी इस तरह अनेका प्रकार दे व्यंजक बना सकते हाँ संख्यावां दी मदद दे नाल, ते नाल दी नाल साडे कोल जिहड़ियां 4 क्रियावां ने उहनां दी मदद दे नाल असी व्यंजक बना सकते हाँ। हुण बच्चो, की तुसी दस सकते हो कि इह 4 क्रियावां किहड़ियां हन? जोड़, घटाओ, गुणा अते भाग। असी देख सकते हाँ कि यह व्यंजक किद्दां बनाया गया है। इस व्यंजक विच 2 नूं 10 दे नाल गुणा करके ते 3 बाद विच जोड़िया गया है ते इस तरह यह व्यंजक बनिया है। इस तरह ही संख्यावां ते क्रियावां दी हैल्प नाल असी किन्ने ज़्यादा व्यंजक होर बना सकते हाँ, जिमें कि 3 × 4 × 5। इस विच असी की किया है, जो ब्रैकेट विच पिया है उसनू पहला लैने हाँ कि असी 4 नूं 5 दे नाल गुणा करके उस विच 3 नूं जोड़ दिता है। या असी इदा कहीए 3 नूं 4 अते 5 दे गुणनफल दे नाल जोड़िया गया है, ठीक है। सो इस तरह असी अंक गणित विच संख्यावां ते क्रियावां दी मदद दे नाल हज़ारां व्यंजक बना सकते हाँ। आओ हुण गल करदे हाँ चलां वाले व्यंजक दी। हुण चल की है? एक चल नूं दर्शाउण लई किसे भी अक्षर L, M, N, P, T, S, X, Y, Z किसे भी अक्षर दी वरतों कीती जा सकती है। चल स्थिर नहीं हुंदा क्योंकि इसका कोई मुल नहीं हुंदा। उदाहरण वजों संख्या 5, संख्या 100, संख्या 500, संख्या 64 ये सारे फिक्स हैं, ये स्थिर हैं, इन्हों का एक फिक्स मुल है 5, 100, 500, 64। पर जेकर असी चलां की गल करिए जिमें कि तुहानू इंग्लिश अल्फाबैट दर्शाया गया है, इसका कोई भी मुल स्थिर नहीं है। इसका मुल असी व्यंजक विच आप भरते हाँ जिन्ना दिता हुंदा है। हुण असी देख लैने हाँ कि अगर त्रिभुज दे 3 कोण हन ते 3 भुजावां हन तां इह 3 चल नहीं है, इह अचल है, एक संख्या है जिस विच सानू पता है कि इह फिक्स है। चतुर्भुज दियां 4 भुजावां हन इस करके ये भी एक नंबर है, ये फिक्स है, ठीक है, ये चल नहीं है।
असी ये देख सकते हाँ कि चलां दे नाल भी असी संख्यावां नूं जोड़ के प्लस अपनियां क्रियावां नूं जोड़ के असी एक व्यंजक बना सकते हाँ। आओ बच्चों एक व्यंजक बनाने की कोशिश करते हाँ जिहदे विच चल भी वरत्या गया होवे। उदाहरण वजों दो एन यह एक व्यंजक है। दो नूं एन नाल गुणा किया गया है। अनदर एग्जाम्पल 4x+5 यह एक व्यंजक है जिस विच 4 नूं एक्स नाल गुणा करके 5 विच जोड़िया गया है अते व्यंजक बनाया गया है। हुण सानूं पता है कि चल दा कोई मुल नहीं हुंदा, चल वक्रे वक्रे मुल लै सकता है। 4 इत्थे फिक्स है, जमा फिक्स है, 5 फिक्स है, पर जिहड़ा एक्स है एक्स दे अनेक मुल हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन जदों तक असी इहदा कोई एक मुल फिक्स नहीं करते। ठीक है, सो असी ये देख लिया कि चल संख्यावां नाल जुड़ के क्रियावां दी हैल्प नाल व्यंजक बनाते हैं। सो इस व्यंजक नूं चलां वाले व्यंजक आखते हैं। ते नाल दी नाल असी ये देखिया कि चलां उपर भी क्रियावां कीतियां जा सकदियां हन जिहड़ियां कि साडियां जोड़ घटाओ गुणा अते भाग हन। हुण असीं देखदे हाँ कि अंक गणित दा जिहड़ा व्यंजक है उसका मूल पता करना संभव है किवें। जिवें कि असीं एक व्यंजक लिया सी 2×10+3 इसका मूल पता करना संभव है। इस विच असीं की करना है 2 नूं 10 नाल गुणा करते हाँ, सो आ गया साडे कोल 20 विच 3 जदों जोड़दे हाँ तो साडे कोल बन जाता है 23 साडा आंसर आ गया, एक आंसर साडा आ गया। पर जिहड़ा असीं व्यंजक लिया 4x+5 इसका मूल पता करना संभव नहीं है जदों तक साडे कोल एक्स का मूल पता नहीं हुंदा। असीं 4x नूं 5 विच नहीं जोड़ सकते क्योंकि यह एक चल है अते ये अचल हन, मतलब ये फिक्स हम हैगे ने, ये फिक्स ने 4 अते 5 अते एक्स का मूल असीं आप कुछ भरना है। हुण मान लैने आ कि असीं एक्स नूं 3 इस व्यंजक विच इसका मूल भरना है, तो असीं की करांगे जदों असीं 4x लिखते हाँ इसका इस तो भाव है कि 4x दे नाल गुणा हो रहा है तो जो आंसर आ रहा है उहदे विच असीं 5 नूं जमा कर रहे हाँ। जेकर मैं एक्स का मूल 3 भरदी हाँ तो इत्थे आ जाएगा 4×3+5 जो कि होएगा 4×3 = 12, 12+5 किन्ना हो जाएगा साढ़े कोल 17, सो 12+5 = 17 साडा ये मुल आ गया। हुण इस चल वाले व्यंजक का मुल संभव कदों होया है जदों असी एक एक्स का मुल फिक्स किया। असी ये देखा कि एक्स नूं 3 भरन ते ही इसका मुल 17 आउंदा है। ऑन द अदर हैंड साढ़े कोल जिहड़ी उपर अंक गणित का व्यंजक सी उस विच कोई भी चल नहीं है, एक सिंपल संख्यावां ते क्रियावां दे जोड़ दे नाल बनिया है, इस करके असी उन्हों ईजीली जिहड़ा है उहदा मुल कढ लिया। पर जिहड़ा चल वाला व्यंजक है उस विच सानू चल दा मुल नाल लिखना पएगा, या अगर चल दा मुल सानू क्वेश्चन विच दिता गया है तद ही असी व्यंजक नू हल कर सकते हाँ। सो बच्चो असी देखिया कि जदों असी किसी भी चल का मुल भर दें हाँ तो असी उस व्यंजक नू अंक गणित दे रूप विच लिया के उसका मुल पता कर सकते हाँ। आओ इस तरह दिया कुछ होर एग्जाम्पल्स देखते हाँ। 2z+1 जिस विच असी z = 4 है, सो यह व्यंजक विच चल जैड है अते क्रिया जोड़ दी कीती हुई है ते असी जैड दा किन्ना मुल भरना है 4। सो आओ वेखिए कि अंक गणित दे रूप विच किदा बनता है। 2z दे नाल गुणा हो रहा है, सो असी जैड दी जगह दे उत्ते 4 भर दिन्ने हाँ। 2×4
जमा एक। सो पहला किरिया असी गुणा दी करांगे, दो गुणा चार अठ, अठ जमा एक नौ हो जाएगा, जेड़ा कि साडा आंसर हो जाएगा। आओ एक होर एग्जाम्पल देखते हैं। टी प्लस सैवन, जिदे विच टी दो दे बराबर है। हुण बच्चियो इस विच असी की करांगे, टी एक चल है और चल दा मुल सानू दिता होया है टी बराबर दो। इस तो भाव है कि जिथे जिथे साडा टी है उत्थे ही असी की कर देना है, दो नू भर देना है। सो असी अगर इत्थे फिल करदे हां दी वैल्यू दो, जमा उदा ही रहेगा, सत उदा ही रहेगा। सो दो विच जदों असी सत जोड़दे हां ते साडे कोल आ जांदा है नौ। उस तरह ही एक होर प्रैक्टिस लिए क्वेश्चन वेख लैंदे हां, 11 जमा पी, जिस विच पी दा मुल है चार। सो चल दा मुल सानू चार दिता होया है, सो इस विच असी 11 जमा पी मतलब पी दी जगह ते असी चार भरना है। सो साडे कोल आ जाएगा 11 जमा चार, तो 11 विच चार जोड़न ते साडे कोल 15 बन जाएगा। अगर सानू यह व्यंजक दिता गया होवे 16x, ते एक्स दा मुल असी एक भरना होवे, ता आपा की करांगे, एक्स दी जगह दे उत्ते एक भरांगे, क्योंकि एक्स साडा चल है और चल दा मुल सानू एक दिता होया है। और किरिया इहदे विच केड़ी हो रही है, गुणा दी किरिया हो रही है कि 16x नाल गुणा हो रहा है। सो असी लिखते हाँ 16 गुणा एक्स दी जगह दे उत्ते एक भर दिंदे हां। सो साडे कोल 16 नू एक नाल गुणा करांगे ते आंसर आ जाएगा 16। तो इस तरह ही असी एक होर लैने वाई बटा पांच, जिस विच वाई दा मुल सानू 30 भरन लई कहा गया है, वाई इक्वल टू 30। सो असी ये वेखते हाँ कि वाई साडा चल है और असी जिथे वाई है उथे की भरना है बच्चों 30। सो असी इत्थे 30 भर दिने हाँ, बाकी किरिया भाग दी हो रही है, भाग उदा ही रहेगा और जिहड़ा इहदे हर दे विच पांच दिता होया है वह भी इदा ही रहेगा। सो असी इत्थे भाग करना है। सो 30 बटा 5 दा मतलब है 30 डिवाइडेड बाय 5, मीनस कि 5 दे टेबल दे उत्ते 30 किस नंबर ते जा रहा है। सो 5 1 दा 5, 5 6 दा 30, सो इहदा आंसर साडे कोल 6 आ जाएगा। आओ हुण कुछ व्यंजकां दा अध्ययन करदे हाँ अते पता लगाउंदे हाँ कि इह किस तरह बनाए गए हन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज y प्लस 5। हुण इस नू किदा बनाया गया है, असी की लिखांगे y विच 5 जोड़न ते y प्लस 5। सिंपल पता लग रहा है कि y एक चल लिया गया है, उहदे विच एक संख्या 5 नू जोड़िया गया है अते एक व्यंजक बनिया है। सैकेंड लैने हाँ t माइनस 7। असी जो बोलिया है उही असी लिखन की कोशिश करांगे कि टी विचों 7 घटाउण ते, कि टी विचों अगर 7 घटाउंदे हाँ तो यह व्यंजक साडे कोल बनता है जो कि है टी माइनस 7। नंबर 3 10 ए। हुण 10 दे नाल ए है, इस तो भाव है कि 10 दे नाल ए गुणा हो रहा है। अगर बच्चों विच कोई सिंबल नहीं दिता, इस तो भाव है कि ए गुणा हो रहे हैं, असी की लिखांगे ए नू 10 नाल गुणा करन ते चौथा व्यंजक लिख रहे हैं वाई बटा 3। असी की लिखांगे हुण ए की हो रहा है, इहदे विच क्रिया केड़ी हो रही है, भाग हो रही है। तो असी लिखांगे y नू 3 नाल भाग करन ते। सो इन्हां चारां व्यंजकां च असी देखिया कि पहले विच
जिहड़ा साडा चल है वह वाय है अते किरिया हो रही है जोड़। दूसरे विच साडा चल टी है अते किरिया घटाओ हो रही है। तीसरे विच साडा चल ए है अते किरिया गुणा दी हो रही है। अते चौथे विच साडा चल वाय है अते किरिया भाग दी हो रही है। आओ बच्चो कुछ होर व्यंजकों का अध्ययन करते हाँ अते पता लगाते हाँ कि यह किस तरह बने हैं। जिमें कि फर्स्ट तुसी देख रहे हो माइनस पांच क्यू, यह व्यंजक किदा बनिया गया है? क्यू नू माइनस पांच दे नाल गुणा करन ते। सो असी देखिया कि माइनस पांच जड़ा है वह अगे पिया है और इनू इन्हों दोनों विच पांच अते क्यू दे विच जड़ा है वह गुणन फल है। अगर कोई निशान नहीं है तो गुणन फल है। सो असी लिखांगे क्यू नू माइनस पांच नाल गुणा करन ते। ठीक है बच्चे, जदों भी असी लिखना है व्यंजक नू कि यह किस तरह बनाया गया है असी सब तो पहला चल लिखना है। नैक्सट विच देख लैने तीन एक्स जमा दो, हुण आपां इहनू लिखांगे किद्दां? सानू पता है कि तीन जदों एक्स दे नाल की हो रहा है, इन्हां दोनों विच की हो रहा है? गुणा हो रहा है। और जो आंसर आया वह दो नाल की हो रहा है? जमा हो रहा है। सो असी इहनू लिखना किद्दां? असी लिखांगे पहला एक्स नूं तीन नाल गुणा करके प्राप्त गुणन फल विच दो जोड़न ते यह व्यंजक सानू प्राप्त हुंदा है। नैक्सट असी देख लैने दो वाई माइनस पांच, हुण ऑन द सेम लाइनस असी किद्दां लिखांगे? इहदे विच साडे कोल चल की है वाई और इहदे विच भी दो क्रियावां हो रही हैं, दो वाई दे नाल गुणा हो रहा है अते बाद विच माइनस पांच किया जा रहा, मतलब कटाया जा रहा। सो असी की लिखांगे? पहला वाई नूं दो नाल गुणा करके प्राप्त गुणन फल विचों पांच घटाउण ते। राइट, हुण असीं देख लिया कि पहला दो नूं पांच नाल, पहला वाई नूं दो नाल गुणा करना है अते प्राप्त गुणन फल विचों पांच घटा देना है। ऑन द सेम लाइन असीं देखिया पहला एक्स नूं तीन नाल गुणा करना है अते प्राप्त गुणन फल विच दो जोड़ देना है। और इत्थे की सी साडे कोल माइनस पांच नूं क्यू दे नाल गुणा करना है, पर जदों असीं लिखणा है असीं चल नूं पहलां लिखणा है, असीं लिखांगे क्यू नूं माइनस पांच दे नाल गुणा करन ते। प्यारे बच्चिओ, हुण तक असीं देखिया कि जेकर कोई सानूं व्यंजक दित्ता गया है असीं उसदी स्थिति नूं चंगी तरह दर्शा सकते हाँ कि यह किद्दां बनाया गया है। आओ इस तों उल्ट करके देखते हाँ कि जेकर सानूं किसी व्यंजक की स्थिति दसी गई है कि असी समर्थ हाँ कि असी उस व्यंजक नूं मैथ फॉर्म विच लिख पाईए। आओ देखते हाँ, पहला व्यंजक दिता गया है जैड विचों बारह घटाउणा, यह लिखा गया है जैड विचों बारह घटाउणा। जैड विचों बारह घटाउणा मतलब इस विच जिहड़ा चल है वह जैड है अते किरिया कीती गई है घटाओ। आओ असी इहनूं लिखते हाँ मैथ फॉर्म च, किवें लिख सकते हैं? जैड विचों बारह घटाउणा मतलब जैड एक चल है, इहदे विचों एक बारह असी घटा दिता तो यह साडा व्यंजक बन गया। नैक्सट करते हाँ आर विच पच्ची जोड़ना, हुण इस विच चल आर दिता गया है अते किरिया की कीती गई है जोड़। सो बहुत सिंपल आ, असी किदां लिख सकते हाँ आर विच किन्ने जोड़ दिते? पच्ची। सो आर जमा पच्ची साडा व्यंजक बन गया। कि यह व्यंजक तुसी कर सकते हो? पी नूं सोलह नाल गुणा, तो पी इहदे विच साडा चल है, किरिया हो रही है गुणा, तो किहदे नाल गुणा करना असी? सोलह नाल। सो असी विच कोई भी मल्टीप्लाई का जिहड़ा निशान नहीं पाते, असी लिखते हाँ सोलह ते नाल पी, सोलह पी।
16 पी नूं वेख के असीं कह सकदे हां कि पी 16 नाल की हो रहा है, गुणा हो रहा है, जो कि सेम दिता गया है। वाए नूं 8 नाल भाग देना, इस विच चल साडे कोल वाए है, किरिया हो रही है भाग, सो किहदे नाल भाग करना है, 8 नाल। सो वाए नूं 8 नाल भाग किया गया है, ये साडा एक व्यंजक बन गया। तो असी स्थितियां वल वेख के, स्थितियां नूं पढ़ के असी व्यंजक बना रहे हाँ। एम नूं माइनस 9 नाल गुणा, हुण साडे कोल जिहड़ा चल है वह एम है और असी इहनूं किहदे नाल गुणा कर रहे हैं, माइनस 9 दे नाल। ते गुणा करन उपरंत असी इहनूं अग्गे लिखांगे माइनस 9 एम, और इहदे विच गुणा दा निशान नहीं पावांगे, इहनूं सिंपली असी इदां लिखांगे माइनस 9 एम, मीनस एम 9 माइनस 9 नाल गुणा हो रहा है, जो कि साडी स्थिति है। नैक्सट है वाए नूं 10 नाल गुणा करन ते गुणन फल विच 7 जोड़ना। हुण इहदे विच दो किरियावां असी देख सकदे हां कि दो किरियावां दा इहदे विच जिक्र किया गया है, एक गुणा एक जोड़। सो क्वेश्चन की है कि वाए नूं असी 10 दे नाल गुणा करना है, इहदा मतलब वाए साडा चल है, इहनूं 10 दे नाल मैं गुणा कर दिता, और गुणा करन उपरंत गुणन फल विच किन्ना जोड़िया जाना है, 7। सो जमा असी की कर देना है 7, ये साडा की बन गया एक व्यंजक बन गया अकॉर्डिंग टू ए स्थिति 10y + 7। ते लास्ट स्थिति वेख लैने आ, एन नू 2 नाल गुणा करना अते फिर गुणन फल विचों एल कटाउणा। हुण इहदे विच दो क्रियावां दी गल कीती गई है, गुणा अते कटाओ। सो एन नू 2 नाल गुणा करना, मतलब एन साडा चल है, इहनूं 2 नाल गुणा करन उपरंत गुणन फल विचों की कटाउणा है, एल कटाउणा है। कोई गल नहीं, अगर इत्थे संख्या नहीं दिती, जो भी कटाउण लई तुहानूं कहा गया है वह असी इत्थे कटा देना है। जिवें एल कटाउण लई कहा गया है, असी एल कटाया। जे 5 कटाउण लई कहिंदे, असी 5 कटाउणा सी, ठीक है। एक्स कटाउण लई कहिंदे, असी एक्स कटाउणा सी। जो जो सानूं स्थिति दिती जांदी है उहदे अकॉर्डिंग ही असी मैथ विच उहनूं फॉर्मेट कर देना है। प्यारे बच्चिओ, तुहाडे वांगू ही दो बच्चे सरिता अते अमीना ने एक खेड खेडण दा फैसला किया। उन्हां ने इस खेड का नाम रख्या व्यंजक खेड। उन्हां ने एक चल लिया एक्स अते एक संख्या लई 3, अते इस खेड की यह शर्त रखी कि इन्हां दोवां चल अते संख्या 3 की मदद नाल असी चारों क्रियावां दे नाल व्यंजक बनाउणे हन। पर शर्त यह है कि किरिया सिर्फ एक व्यंजक च एक ही होनी चाहिए है। सो की तुसी सरिता ते अमीना दी मदद कर सकते हो? आओ वेखदे हाँ कि चल एक्स अते संख्या 3 दे नाल असी किन्ने व्यंजक बना सकते हाँ जिस विच सिर्फ एक ही किरिया वरती गई होवे। सानू पता है कि साडे कोल किरियावां जमा, कटाओ, गुणा अते भाग हन। जिवें कि सरिता अते अमीना ने एक एक्स लिया है जो कि चल है अते एक संख्या 3 लई है, और शर्त ए भी है कि एक्स हर एक व्यंजक विच वरत्या जाना चाहिदा है। सो असी की करदे हाँ, पहला व्यंजक किद्दां बना सकते हाँ, असी लिखांगे एक्स जमा 3। सो इहदे विच एक्स भी वरत्या गया जो कि चल है, 3 एक संख्या है, ते एक ही किरिया एक टाइम ते वरती गई है। कटाओ नाल असी केड़ा व्यंजक बना सकते हाँ? एक्स माइनस 3, ये असी दूसरा व्यंजक बना लिया जिहदे विच एक्स ते 3 दोवां दी वरतों कीती गई है, ते एक ही किरिया वरती गई है। गुणा दे नाल असी की लिखांगे? एक्स ते 3 नहीं लिखांगे, 3 की संख्या अगे पा दिंदे हां, 3x मतलब 3 गुणा एक्स, इहदे विच किरिया इको वरती गई है, ते एक्स ते 3 भी वरते गए हन। भाग विच असी की लिखांगे? एक्स बटा 3 एक्स भाग 3, एक्स भी वरत्या गया, 3 भी वरत्या गया, ते एक किरिया ही वरती गई है। सो ये खेड इन्हां 4 व्यंजकां दे नाल ही खत्म हुंदी है कि एक्स चल पद अते अचल विच असी एट ए टाइम इको ही किरिया वरत के 4 व्यंजक बनाए हन। आओ बच्चों एक प्रश्न देखते हाँ। एक्स 2 अते 5 का प्रयोग करके एक व्यंजक बनाओ, केवल 2 क्रियावां की वरतों करो।
हुण कोई भी जिहड़ियां तुहाडे कोल चार क्रियावां उहनां विचों कोई भी दो क्रियावां दी वरतों करके तुसीं प्रयोग की करना है एक्स दो अते वाई जिहदे विच एक्स साडा चल है अते दो अते पंज जिहड़ा साडा है वह कॉन्सटेंट टर्म आ, उह साडी की है अचल। हुण असीं देखदे हाँ कि मैं प्रयोग करन जा रही हाँ गुणा ते जमा। गुणा ते जमा दे नाल असीं की कीता, दो नूं एक्स नाल गुणा कीता ते उस विच पंज नूं जोड़ दिता, यह साडा एक व्यंजक बन गया जिहदे विच असीं दो क्रियावां नूं वरत्या। की असीं इस तों इलावा भी कोई व्यंजक बना सकते हाँ कोई होर दो क्रियावां वरत के? मान लो कि असीं भाग अते घटाओ नूं वरतना है, सो असीं की लिखांगे एक्स बटा दो माइनस पंज। एक्स नूं दो नाल भाग किया तो पंज विचों घटा दिता। की असीं इदां लिख सकते हाँ एक्स नूं पंज नाल भाग किया तो दो तो घटाता? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि असीं एक्स दो अते पंज दा किसी भी किस्म दा प्रयोग कर सकते हाँ, असीं भावें दो नाल भाग कर लिए भावें पंज नाल भाग कर लिए। ठीक है, इधर भी असीं चाहिए तो असीं पंज नूं एक्स दे नाल गुणा करिए तो दो विच जोड़ दिए तो एक वक्खरा व्यंजक बन जाएगा। सो इस तरह असीं व्यंजक बना सकते हाँ। सो बच्चों अज की इस क्लास विच असीं की पढ़िया? असीं पढ़िया कि व्यंजक एक एक्सप्रैशन है जो कि कोई भी दो टर्म्स नूं जोड़ के बन जाती है, जिवें पांच गुणा दस जमा तीन या फिर पांच एक्स जमा तीन। चल कोई भी अक्षर हो सकता है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट है और इसका मूल स्थिर नहीं होंदा। अगर चल दी एक संख्या फिक्स कर दी जाए तो फिर इसका मूल जड़ा वो निश्चित हो जाता है। फिर असी चलां वाले व्यंजक पढ़े कि असी क्रियावां की मदद के नाल किसी भी चल नूं संख्यावां नाल जोड़ के एक चलां वाले व्यंजक बना सकते हाँ। सो प्यारे विद्यार्थियों, यह है तुहाडा घर का काम। घर के काम का प्रश्न तुहानूं दिता गया है, चलां वाले व्यंजकां ते चक्कर लगाओ। सो इस विच तुहानूं जी तक पाठ दिते हन, तुसीं उन्हां व्यंजकां ते चक्कर लगाना है जिन्हां विच तुहानूं चल दिखाई दे रहे हन। पहला भाग है पी प्लस थ्री, दूसरा पार्ट सौ गुणा चाली माइनस चार जेड, तीसरा पार्ट सौ एक्स, चौथा पार्ट दो गुणा सौ जमा पांच माइनस छे जमा दो, पंजवा पार्ट सत माइनस सत जेड, छेवा पार्ट ग्यारह ते सतवां पार्ट सत एम। सो आई रिपीट कि इन्हां सैवन पार्ट्स विच तुसी उन्हां व्यंजकां ते सर्कल लगाना है जिहड़े व्यंजकां विच तुहानूं चल दिखाई दे रहे हन, चलां वाले व्यंजक। बच्चों यह सी साडा अज दा टॉपिक चलां वाले व्यंजक। मैनूं पूरी उम्मीद है कि सारे बच्चों नूं यह चंगी तरह समझ आ गया होएगा। धन्यवाद।